किसी ने बड़ी वधिया गल कही है कि हर वार जदों एक नवी शुरुआत असी करना चाहिए तां साडी हार दा डर सानू हर वार वापस नीचे लै जांदा है। बचपन तो ही जिस तरह के समाज विच साडी परवरिश हुई है उत्थे सानू यही सिखाया गया है कि जिंदगी विच कदे हारना नहीं है, हमेशा सब तो अगे रहना है। ते अजिहे विचार रहन दे कारण उस बच्चे दे मन विच हार दे प्रति एक डर पैदा हो जाता है। जदों भी असी किसी बच्चे नू चंगे अंक लैन लई चॉकलेट दिंदे आ ते माड़े अंक आउण ते उसनू झिड़कदे आ तां असी जाने अणजाणे विच उस दे मन अंदर एक डर पैदा कर दिंदे आ। ते सियाणे कहिंदे ने कि बचपन विच ही बच्चे दे मन विच बीजिया होया बीज सारी उम्र पलदा रहिंदा है। वह बच्चा जिंदगी विच एक नवी शुरुआत करन तो हमेशा डरदा रहेगा। ते इसलिए कौन जिम्मेवार है? इसलिए अपने बच्चों के मन विच अजिहे बीज बीजो कि वह अपनी हार तो कदे भी ना डरे। जिंदगी विच एक नवी शुरुआत करन लई कदे पिछे ना हटे, उसके कदम पिछे ना हटन। अज की जो कहानी मैं तुहानू सुनाउण जा रहा, इस विच तुहानू दो अजिहे सूत्र मिलणगे जिन्हां नू जाण लैण तों बाद तुसी जिंदगी विच नवी शुरुआत करन तों कदे नहीं डरोगे, सगों हर शुरुआत बड़े जोश ते उत्साह नाल करोगे। इस तों पहलां कि तुसी इस कहानी विच गुआच जाओ, इस चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। तां आओ कहानी शुरू करदे आं। जो इंसान अपनी जिंदगी विच कदे कोई काम नहीं करना चाहुंदा, उस कोल जिंदगी विच कुछ पैसा कमाउण लई कुछ ही रस्ते बचदे ने, ते इन्हां रस्तियां विचों एक रुजगार हुंदा है। शाम दी हालत भी कुछ इस तरह ही सी। ये नहीं सी कि उसने अपनी जिंदगी विच पढ़न दी कोशिश ही नहीं कीती जां नौकरी प्राप्त करन दी कोशिश नहीं कीती। बचपन तो ही वह पढ़ाई विच इन्ना तेज नहीं सी, इसलिए उसनू चंगी नौकरी नहीं मिल सकी। ते जो नौकरी उसनू मिली सी उस विच उसनू तनखाह तो बहुत घट मिलती सी, पर उस तो मेहनत सख्त करवाई जाती सी। उस तनखाह नाल उसका अपना खर्चा भी पूरा नहीं सी हो पा रहा, तो अपने परिवार का खर्चा किवें चलाउंदा? घर विच उसकी पत्नी सी, उसके बच्चे, उसके मापे सी, उस लई इन्ने लोगों का पेट भरना असंभव हो गया सी। ते वह भी मामूली जी तनखाह नाल, ते वह भी इन्नी महंगाई विच। इसलिए उसने नौकरी छड्डण की हिम्मत जुटाई, नौकरी छड्ड के कारोबार शुरू करन दा फैसला किया। पर व्यापार लई भी तो पैसा चाहिदा, ते उस दे कोल सी नहीं, तो वह कारोबार किवें करदा? इसलिए उसने कारोबार कर ली अपने रिश्तेदारां ते दोस्तां तो पैसे उधार ले ले। उसने उस काम नूं बुलंदियां ते लिजाण लई बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कीती सी, इसलिए उसनूं विश्वास सी कि इस काम नूं नवीं उचाई दे सकदा है। काम शुरू करन तों बाद कुछ दिनों तक काम पूरे जोरां ते रहा, पर कुछ दिनों बाद उसका काम ठंडा पैंदा गया। हुण दिन रात उसके सिर ते यही चिंता सवार रहिंदी सी कि अपने दोस्तां ते रिश्तेदारां दे पैसे किवें वापस करेगा। उसनूं इस गल की बहुत चिंता हो गई सी, इस कारण उसने शराब पीनी शुरू कर दिती। ते फिर कहिंदे हुंदे आ ना कि जदों तबाही मनुख ते छाउंदी है तां सब तो पहलां विवेक की मौत हुंदी है, भाव उसकी अकल मर जाती है। ते यही शाम नाल हो रहा सी। हुण उसदे अपने परिवार नाल लड़ाई झगड़े भी वधदे जा रहे सी। जिवें जिवें दिन बीत रहे सी उसकी हालत विगड़ती जा रही सी। हुण उसदे रिश्तेदार ते उसदे दोस्तां ने अपने पैसे वापस मंगने शुरू कर दिते, पर उसदे कोल कोई पैसा नहीं बचा सी। जो थोड़ा जिहा धन बचा सी उसनूं शराब ते डुबो रहा सी। जदों वार वार मंगण ते भी उसने पैसे वापस नहीं किते तां उसदे घर पहुँचन लगे। हुण दिन रात उसदे घर कर्जदारां दी कतार लगी रहिंदी सी। कुछ दिनां तक उहनां नूं इह कह के टालदा रहा
कि थोड़े दिनों मैं तुहाडे पैसे वापस कर देवांगा। पर थोड़े दिन बीत जाण ते भी उसनू बंदोबस्त करन दी कोई संभावना नज़र नहीं सी आ रही। हुण गल लड़ाई तक पहुँच लगी सी। रोज़ अलग अलग लोगों के नाल गाली गलोच ते लड़ाई झगड़े तो शाम बड़ा परेशान हो गया सी। वो अपनी जिंदगी तो पूरी तरह निराश हो चुका सी। वो अक्सर यही सोचता सी कि जानवरां दी जिंदगी इंसान नालों बेहतर है। अजिहे विचारां दे वधन फुलण कारण उसदे अंदर आत्म हत्या करन दे ख्याल आउण लगे। पर अपने परिवार नूं अपने उपर ही निर्भर पा के वो एक कदम भी उठा नहीं पा रहा सी। पर हुण हालात होर भी भयानक रूप धारण करन वाले सी। कुछ दिनों बाद उसदी पत्नी दी भी मौत हो गई ते हुण वो अपने बच्चियां ते मापियां नाल इकला ही रह गया सी। पहलां उसकी पत्नी उसनू हौसला दिंदी रहिंदी सी पर हुण उसनू हिम्मत देने वाला कोई नहीं सी। इसलिए एक दिन रात नू वो अपने दोवें बच्चियां नू समाउण तो बाद एक पहाड़ी वल तुर पिया। जाण तो पहलां उसने अपने परिवार वल एक आखरी नज़र मारी ते उसदियां अखां हंझुआं नाल भरियां होईयां सी। वो भरियां नज़रां नाल पहाड़ी वल तुरिया जा रहा सी। हुण बस वो अपने शरीर तो अपनी जिंदगी तो अपनी रूह तो आज़ादी चाहुंदा सी ते ये आज़ादी उसनू मौत ही दवा सकती सी। जदों उस पहाड़ी वल जा रहा सी तां उसने रस्ते विच एक चिखा देखी ते उस चिखा दे नेड़े ही एक बोधी भिक्षु नू बैठे देखिया। जदों शाम ने यह दृश्य देखा तो शाम उस सन्यासी कोल गया ते बोलिया कि इंज लगता है कि तुहाडे बहुत नेड़े दे किसी इंसान का अंतिम संस्कार हो रहा है। यह सुन के बोधी भिक्षु ने शाम वल देखा तो मुस्कुरा के कहा कि नहीं, मैनू तां पता भी नहीं कि यह किस दी चिता है। यह सुन के शाम हैरान रह गया तो कहन लग्या कि तुसी इस चिता नूं इन्ने ध्यान नाल क्यों देख रहे हो। यह सुन के बोधी भिक्षु ने कहा कि मैं इस बल दी चिता नूं देख रहा कि मनुख सारी जिंदगी जितण दी कोशिश विच लग्या रहिंदा है। यह जाणदे होए भी कि मौत सब तो वड्डी हार है, जदों तुहानूं पता है कि मौत निश्चित है, मौत एक परम सच है, मौत नूं कोई नहीं टाल सकिया, तां फिर जिंदगी विच किसी भी जित जां फिर किसी भी हार दे की मायने रह जांदे ने। असी किन्ना भी कुछ पा लईए जां किन्ना भी कुछ गवा लईए, आखिर विच आउणी तां मौत ही है। यह सुन के शाम ने कहा कि महात्मा जी, मौत एक वार दर्द दिंदी है पर जिंदगी हर रोज़ दर्द दिंदी है, अजिही जिंदगी दे भी की मायने। इस ते बोधी भिक्षु ने मुस्कुरा के कहा तो फिर इसका मतलब है कि जिंदगी ते मौत दोनों दे कोई मायने नहीं है, दोवें ही इक्को सिक्के दे दो पहलू ने। पर जरा तू खुद सोच, जेकर तेरी मौत दे भी कोई मायने नहीं तो मरण तो बाद तेनू की हासिल हो जाएगा, तो फिर अपनी जिंदगी नू खत्म करन दा की मतलब है। यह सुन के शाम ने हाथ जोड़ के कहा कि हे महात्मा, मैं अपने जीवन तो बड़ा दुखी हो चुकिया, सच कहां तां अज मैं खुदकुशी करन आया सी, मैं अपने जीवन तो हार चुकिया ते मौत ही मैनू आखरी रास्ता नज़र आ रही है। यह सुन के उस महात्मा ने उसदे मोढ़े ते हाथ रखदिया कहा कि मैं तैनू दो अजिहियां गल्लां दस रहा जिन्हां नू समझन तो बाद तैनू जिंदगी तो कोई शिकायत नहीं रहेगी। पहली गल हमेशा याद रखना कि हारदा उही है जो मैदान विच खड़ा हुंदा है। ज़्यादातर लोग जिंदगी विच एक नवी शुरुआत कर ही नहीं पाउंदे, एक कोशिश कर ही नहीं पाउंदे, इसे लई वो जिंदगी दियां गहराइयां नू समझ ही नहीं पाउंदे। उन्हां नू हमेशा यही लगता रहिंदा है कि किते मैं नवी शुरुआत करां ते मेरा कोई नुकसान ना हो जावे,
ਤੇ ਇਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇਕਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਘੜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੱਕ ਡੁੱਬਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਹਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਰਾਂ ਮਿਲਣ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਮੰਨੀਏ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ, ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਨ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਜਿੱਤ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗਾਂ ਭਰੋ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੋ, ਜੋਸ਼ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।